बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम क्लास 9 एक्सरसाइज 1.3 में क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। क्वेश्चन है, लेट ए एंड बी बी 2 बाई 3 मैट्रिसेस। दो मैट्रिसेस हैं ए और बी और इसका आर्डर है 2 बाई 3। एंड लेट सी एंड डी बी 2 स्क्वायर मैट्रिसेस और दो मैट्रिसेस और हैं सी और डी और ये स्क्वायर मैट्रिसेस हैं। ये हम 2 बाई 2 मैट्रिसेस लेंगे, इसका आर्डर है 2 बाई 2। विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस ऑपरेशन आर डिफाइंड पार डी पार दोज विच आर डिफाइंड गिव द डायमेंशन ऑफ द रिजल्टेंट मैट्रिक्स। हमारे पास 4 पार्ट्स गेवन है, हम ये चेक करेंगे कि इसमें से कौन से डिफाइंड है। तो ये याद रख लें कि सब्ट्रैक्शन और एडिशन में तभी हो सकता है जब इसका आर्डर सेम हो। तो फर्स्ट पार्ट है हमारे पास ए प्लस बी। तो अगर हम ए का आर्डर देख लें तो हमारे पास क्वेश्चन में गेवन है ए का आर्डर है 2 बाई 3 और बी का आर्डर भी है 2 बाई 3। दोनों का आर्डर सेम है तो मीन्स ये ऐड हो सकते हैं। तो ए प्लस बी डिफाइंड है और हमसे ये भी मांगा गया है कि इसका डायमेंशन क्या होगा रिजल्टेंट मैट्रिक्स का। तो इसका डायमेंशन भी 2 बाई 3 होगा। सेकेंड मैट्रिक्स है हमारे पास बी प्लस डी। तो बी का आर्डर अगर हम देख लें तो वो है 2 बाई 3 और डी का ऑर्डर है 2 बाई 2। दोनों सेम नहीं है, ऑर्डर बराबर नहीं है, तो बी प्लस डी इज नॉट डिफाइंड। थर्ड जो हमारे पास गिवन है वो है 3a-2c। ए का ऑर्डर है 2 बाई 3, सी का ऑर्डर है 2 बाई 2। दोनों सेम नहीं है तो ये भी हमारे पास डिफाइंड नहीं है। फोर्थ पार्ट है 7c+2d। सी का ऑर्डर है 2 बाई 2, डी का ऑर्डर भी है 2 बाई 2। 7 अगर इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो वही 2 बाई 2 आएगा। इसी तरह अगर डी मैट्रिक्स के साथ 2 मल्टीप्लाई होगा तो ऑर्डर भी 2 बाई 2 आएगा। दोनों का ऑर्डर 2 बाई 2 है, दोनों ऐड हो सकते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा कि ये डिफाइंड है और इसका रिजल्टेंट मैट्रिक्स भी स्क्वायर मैट्रिक्स होगा ऑर्डर 2 बाई 2 का।